शौर्य दिवस पर जगदीश सिंह यादव की साइकिल यात्रा से तरई अंचल में मची हलचल। रीवा जिले के नगर परिषद डबौरा में 1 जनवरी 2023 को एक साइकिल यात्रा का आयोजन सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश सिंह यादव के नेतृत्व में निकाली गई, जिसका मुख्य उद्देश्य भीमा कोरे गांव में 1 जनवरी 1818 में शहीद सैनिकों के सम्मान में साइकिल यात्रा निकालकर उन्हें महान वीर सैनिकों की श्रद्धांजलि दी गई। जगदीश सिंह यादव ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि डबौरा से लेकर लटियार तक तकरीबन 15 किलोमीटर की साइकिल यात्रा निकाली गई तथा समाज में महान शहीदों को याद कर उनके संघर्षों की कहानी, वंचित दलित आदिवासी पिछड़े महिलाओं बच्चों को जागरूक कर एक देश एक राष्ट्र की बात, देश से भेदभाव छुआछूत मुक्त भारत कैसा हो, इसके लिए उन्होंने संदेश दिया। साइकिल यात्रा में शामिल वरिष्ठ नेता विजेंद्र पांडे तथा कर्मचारी संघ के पदाधिकारी राम उजागर पटेल, अयोध्या वर्मा सरपंच अनिल सिंह आदि सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं। साइकिल यात्रा में महिलाओं में उषा सिंह यादव, हमारा ग्राम अधिकार अभियान की जन्मावती साकेत रीता, बौद्ध विनीता जय प्रकाश, विवाह पार्षद आर के प्रजापति सहित भारी संख्या में लोग साइकिल यात्रा में शामिल रहे। रीवा से आशीष पाटकर की रिपोर्ट, बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ, धन्यवाद। नेताजी, 1 जनवरी को 100 दिवस मनाया गया है, इसमें ये साइकिल रैली, इसमें क्या संदेश देना चाहते हैं? ये 100 दिवस भीमा कोरे गांव में जो शहीद हुए जो सैनिक थे, 500 सैनिकों ने 25,000 सैनिकों को परास्त करके एक विजय गाथा तैयार की थी, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में उसको 100 दिवस के रूप में वहाँ पर एक सम्मान दिवस मनाया। तब से लेकर पूरे देश में वो 100 दिवस के रूप में मना जाता है। वहाँ दलित जो लोग थे उनके साथ में जो लोग 100 दिवस शहीद दिवस हुए थे 1818 में 1 जनवरी के दिन, वो बहुत बड़ी क्रांति थी। 25,000 सैनिकों को 500 लोगों ने हराया, तो उनके सम्मान में ये हर वर्ष मनाया जाता है। तो हम लोग भीमा कोरेगांव ना पहुँच करके इस अंचल में हम लोगों ने 1 जनवरी को 100 दिवस मनाने के लिए 10 किलोमीटर हम लोगों ने एक साइकिल यात्रा तय की कि जन जागरूकता और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये उनके सम्मान में यात्रा थी। ये रैली कहाँ से आरंभ हुआ, कहाँ समाप्त हुआ? ये डभौरा थाने के पास से लेकर के लटियार में जा करके समापन हुआ।